इस समय हम लोगों पे RTR 4V गाड़ी आ रखी है। इस गाड़ी में बड़ी दिक्कत थी। कस्टमर का कहना था कि इस गाड़ी में जब हम लोग क्लच छोड़ रहे हैं तो इसमें खरड़ खरड़ की आवाज़ आ रही है फ्रंट इस पॉकेट से। तो कस्टमर का कहना था कि इसके इंजन से आवाज़ आ रही है, पर जब मैंने चेक करी गाड़ी तो इंजन में बिल्कुल सही थी गाड़ी। तो हम लोगों ने इसमें क्लच का काम कर रखा है। इस गाड़ी में हम लोगों ने क्लच प्लेट हो गया, प्रेशर प्लेट हो गया, क्लच की कटोरी की सेटिंग हो गई। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इस गाड़ी में करी हैं। उसके बाद कस्टमर ने बोला कि इस गाड़ी की सर्विस भी कर दो। तो सर्विस में हम लोगों ने इसमें ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल हो गया आपका, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर हम लोगों ने इसमें नया डाला हुआ है। कस्टमर ने यूट्यूब के माध्यम से मेरे से संपर्क किया है और उसके बाद उनको हमने अपना एड्रेस बता के उनको यहाँ बुलाया है। और इस गाड़ी को हम लोगों को एक नंबर करके देनी है गाड़ी, क्योंकि कस्टमर बहुत दूर से आ रखा है हम पे। तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है। तो इस समय जो हमारा सीनियर मैकेनिक है मोहित भाई, इस गाड़ी को कर रहा है काम। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक ऑयल, मतलब जो जो सर्विस के दौरान जो काम होता है वो काम इस गाड़ी में हो रहा है। हर चीज़ चेक हो रही है गाड़ी की। और इसमें हम लोगों ने इंजन हाइड्रो क्लीनिंग मशीन का भी काम करना है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि गाड़ी एक तो पिकअप कम ले रही है और प्लस इसका गाड़ी का माइलेज बड़ा कम हो रखा है। तो हम लोगों ने उनको सलाह दी कि इसमें हाइड्रो क्लीनिंग मशीन लगाएं और 1 से 1.5 साल के बाद आपको फिर दोबारा लगानी पड़ेगी। इससे इंजन बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से कि हम लोग किस ढंग से काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, और सर्विस के दौरान, क्लच पीरियड के दौरान हमें क्या क्या चीज़ करानी चाहिए। तो आप लोग हमसे संपर्क कर